तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हम ये पांडिचेरी के अप्लम हार्बर बीच का को ही दो है, लाइट हाउस दिख रहा है। तो ये रॉक बीच चबर थोड़ा सामने गए तो बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है नज़ारा। नज़ारा देखो, दिल कुदेगा, दिमाग खुश हो जाना। फिशिंग कर रहा है कि शार्क की विल की बड़े से है उसका, देखते हैं। तो आखा तो फाइनली सामने आ गया हमें, तो ऐसा व्यू है ये, चंदा चिल्ला गया बाद में। बोटिंग राइड्स भी हैं यहाँ, और जेट रेस है, पैरासलाइडिंग है, क्या होना तुम कर सकते। ये पानी का साउंड देखो, माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत भी क्या ज़बरदस्त है। देखो क्या चीला बनाता है बनाने वाला। तो गाइस ये फ्रेंच कॉलोनी है। देखो इधर मैक्सिमम पूरा बिल्डिंग्स तुम्हें येलो कलर ही दिखता है। तो इधर जब फ्रेंच आको थे तब उन इवेंट्स सेटल थे इधर, तो इधर शॉपिंग इसमें जारी है अंदर। तो बहुत मस्त मस्त चीज़ें मिलती हैं लेने के वास्ते, और रेट्स तो इतना हैवी बोलते सो गए, तो तुम्हें बार्गेन करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। नहीं भी हमारे घर में झाड़ा में छुट्टी पैसे का, तो तुम तोड़ लगा कर लिया जा चीज़ से भी। दो बहुत अच्छे दो डिजाइनर ये सब मिलती। बहुत सारे शॉप्स क्लोज हैं, ये बहुत धूप का टाइम है, टेम्परेचर 45 to 50 डिग्रीज है इधर, और हमें तो बहुत तकलीफ हो चाहिए कर्नाटका वाले को इधर। ये देखो लेडीज़ की सबसे फेवरेट चीज़ है, क्या कहते हैं, हैंड बैग आते हैं, हैंड बैग। और इधर घर में डेकोरेट करने के आइटम्स है, इधर सी पी एंग के बहुत आइटम्स ही। दो लकड़ी के हाथ से बनी चीज़ें भी बहुत सारे ही। देखो बच्चों के वास्ते से भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें हैं। थोड़ा फ्रेंच कॉलोनी से बाहर आ गया हमें, यहाँ जवाहरलाल नेहरू का स्टैचू है जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे। तो उधर अच्छे महात्मा गांधी जी बहुत दूर खड़ रखी हैं, गांधी सब जरूर मैं इनके पास है। महात्मा गांधी स्टैचू पुडुचेरी में, ये पूरा जो तुम आगे वाला दिख रहा रास्ता, एक सेकंड दिखाता हूँ क्लियरली। देखो ये महात्मा गांधी स्टैचू, ये बहुत फेमस माना जाती है पांडिचेरी में। ये पूरा वॉकिंग वॉकिंग स्ट्रीट है, नो व्हीकल्स अलाउड है, तो पूरा वॉकिंग जोन ही है। इधर रात के टाइम बहुत सारे आदमी आते हैं। तो महात्मा गांधी को एक सलाम कर डाला तुम्हें भी, कहेगा तो महात्मा गांधी नहीं तो क्या भी नहीं। देखो बीच की हरियाली, इधर उधर की हरियाली देखो, नखो बीच दिखा रहा हूँ, बीच देखो। तो पुडुचेरी का ओल्ड लाइट हाउस ये, जो अभी यूज़ नहीं कर रही है क्योंकि अभी सेंसर से भी आ गई पहले ज़माने में, और जो चिराग के टाइप का जला को तेल में जो लाइटिंग थी पहले वो वाला आई है, जब फ्रेंच वाले यूज़ करते थे वो टाइम को। बीच समंदर में क्या की है, जहाँ फ्लैग लगा को ही क्या चीज़ की मालूम नहीं है, और बहुत अच्छा दिख रहा समंदर में बीच में है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक फॉलो, आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है। मैं आपका दोस्त सैद अतीक़।